नौकरी के बदले जमीन केस में लालू प्रसाद यादव ने पटना के ईडी दफ्तर में सुबह से पूछताछ उनसे चल रही है। लालू प्रसाद से करीब 8 घंटे से पूछताछ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी लालू प्रसाद से अब तक 50 में से 40 सवाल पूछ चुकी है। इधर पटना ईडी दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ की टुकड़ी को तैनात किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लालू प्रसाद के समर्थक जुटे हैं। साथ ही ईडी दफ्तर के सामने निशा भारती समेत मीसा भारती समेत आरजेडी के 50 विधायक और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, ये उस समय की तस्वीरें। लालू यादव जिस समय ईडी दफ्तर सुबह 12:30 बजे के करीब पहुंचे थे, उनसे अभी तक पूछताछ चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 बजने जा रहा है, तो पिछले 6.5-7 घंटे से उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो ईडी दफ्तर के बाहर एकत्रित है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए तलब किया। वहीं लालू यादव के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सुबह जब लालू यादव पटना में ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनके समर्थन में बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया, जिसे देखते हुए ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पटना में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूर्वाग्रह से कार्रवाई के आरोपों का जवाब दिया। कानून हमेशा अपना काम करते हैं, ईडी स्वतंत्र इकाई अपना काम कर रही है। ईडी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में नोटिस जारी किया था। मामला यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान का है और जब लालू यादव रेल मंत्री थे। इस मामले में सीबीआई पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। ईडी की पूछताछ पर लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके पिता को गिरफ्तार भी कर सकती है। मीसा भारती का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी डरे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे, और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। पूछताछ के लिए लालू प्रसाद यादव पटना में ईडी दफ्तर अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पहुंचे। ईडी दफ्तर के बाहर सुबह से आरजेडी कार्यकर्ताओं की जो भीड़ थी वो बड़ी संख्या में पहुंची हुई थी। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, तो मीसा भारती ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। तो कोई नई बात नहीं है, जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। तो बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। मीसा भारती ने आरोप लगाया कि उन सभी विरोधी दलों पर ईडी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है जो इनके खेमे में जाने से मना करते हैं। एक तरफ ईडी की टीम लालू यादव से नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सवाल जवाब कर रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी और आरजेडी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में व्यस्त दिखे। बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना। राष्ट्रीय जनता दल ने ईडी के समन को बीजेपी का नोटिस बता दिया। ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है, बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा। रोहिणी ने लिखा कि पापा की हालत बहुत खराब है, लेकिन उनके साथ सहायक को भी अंदर नहीं जाने दिया। बिहार से सटे झारखंड में भी ईडी का एक्शन दिखा, जहां जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर तलब किया। साथ ही रांची में ईडी कार्यालय की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया। और जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से ईडी 31 जनवरी को पूछताछ कर सकती है। इधर रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेएमएम का दावा है कि मुख्यमंत्री पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। ईडी के बहाने, संवैधानिक एजेंसियों के बहाने काम करने से रोका जा रहा है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने का रोल अदा कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने पहले हुई पूछताछ में ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया। 31 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होते हैं, तो हमारी तो उनसे यही गुजारिश होगी कि हुजूर इस बार याददाश्त ठीक करके जाइएगा,
एक दो अंजीर ज्यादा खा लीजिएगा, एक दो बादाम ज्यादा खा लीजिएगा, क्योंकि याददाश्त पर आपको बल देने की जरूरत नहीं पड़े। हेमंत सोरेन को ईडी ने 10वां समन जारी किया है और 29 से 31 जनवरी के बीच हाजिर होने के लिए कहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश में ईडी ने दिल्ली में उनके घर पर दबिश दी, जिसके कुछ देर बाद झारखंड के मुख्यमंत्री दफ्तर ने ईडी को मेल कर पूछताछ के लिए 31 जनवरी का समय दिया। उधर रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में सड़क पर उतर आए और ईडी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उससे उनकी छवि जो उन्होंने एक बनाने का प्रयास किया था कि मैं डरता नहीं और मैं कानून को बहुत सीधे सीधे फेस करता हूँ, उस छवि का नुकसान हुआ है। उनकी छवि एक भगोड़े के रूप में स्थापित हुई है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए ईडी हेमंत सोरेन को अब तक 10 बार समन भेज चुकी है। फरवरी के महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी फरवरी महीने से चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में पीएम मोदी 3 रैलियां करेंगे, जिसमें अवध और कानपुर के क्षेत्र शामिल होंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 4 फरवरी को मोदी और नीतीश एक मंच पर रहेंगे। बिहार के बेतिया में होने वाली रैली में दोनों साथ दिखेंगे। यूपी में हारी हुई सीटों पर 15 फरवरी तक बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 80 में से 14 सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड के मॉडर्न मदरसों में भगवान राम की कहानियां पढ़ाई जाएंगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि हम बच्चों को औरंगजेब का नहीं श्री राम का पाठ पढ़ाएंगे। इसी साल अप्रैल महीने से सिलेबस में बदलाव होगा। यूपी के सीतापुर में एसबीएसपी की सभा में मंच का एक हिस्सा टूट गया, जिसके बाद 5 नेता जमीन पर गिर गए। जिस वक्त मंच गिरा, उस वक्त एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी वहां मौजूद थे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार तो बन गई, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के लिए ताजा संकट बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी है और वो आरजेडी कोटे से स्पीकर हैं। नीतीश और बीजेपी को अंदाजा है कि चौधरी नीतीश की नई सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, इसलिए रविवार को सरकार गठन के कुछ ही देर बाद बीजेपी की ओर से अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव को भेज दिया गया। अगर आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बहुमत से हटाया जाएगा। नोटिस में लिखा कि एनडीए के सत्ता में आने के बाद वर्तमान अध्यक्ष पर विधानसभा का विश्वास नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। बिहार में विधानसभा की दलगत स्थिति की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास 128 विधायक हैं, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ 128 विधायकों के होने से उनका हटना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि एनडीए की सरकार बिहार में अवध बिहारी चौधरी के स्पीकर रहते विधानसभा में बजट सत्र नहीं चाहती है और इसीलिए आज की पहली कैबिनेट बैठक में बजट सत्र को लेकर पहला फैसला लिया गया, जिसके तहत कैबिनेट ने बजट सत्र की तारीखों में बदलाव करते हुए सत्र को आगे बढ़ा दिया। बजट सत्र को 5 फरवरी से आगे बढ़ाया गया है। हालांकि बजट सत्र की कोई तारीख तय नहीं की गई है। सदन की कार्यवाही बुलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। पहले बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होना था। लोगों ने बिहार के विकास की चर्चा की। नई कैबिनेट ने विधानसभा सत्र के अलावा वित्त विभाग से जुड़े 2 एजेंडा पर भी मुहर लगाई है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। पटना में कई जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा गया और ये पोस्टर पटना में हाईकोर्ट, डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स चौराहा और पुनाईचक मोड़ पर लगाए गए। पोस्टर में लिखा है, फर्श से अर्श तक डूबता बिहार, उड़ता परिवार। इन पोस्टर्स में लालू परिवार की कई तस्वीरें दिखाई गई हैं। पोस्टर में बाईं तरफ वो तस्वीर है जब लालू अपने परिवार के साथ सर्विंग क्वार्टर में रहते थे। दाईं तरफ तेजस्वी की प्लेन में जन्मदिन मनाने की तस्वीर है। साथ ही तेजस्वी यादव के फ्रेंड्स कॉलोनी की मकान की तस्वीर भी लगाई गई है। महागठबंधन सरकार की विदाई हुई है, जिसके बाद पोस्टर के जरिए कहीं न कहीं तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला किया जा रहा है। इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे लालू का परिवार राजनीति में आने के बाद अपने रसूख से गरीबी से संपन्नता तक पहुंच गया। वहीं तेजस्वी के सरकारी बंगले के गेट पर लगे नेम प्लेट पर डिप्टी सीएम शब्द को अखबार की कटिंग से छिपा दिया गया है। इस बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं का नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमला लगातार जारी है। गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर कांग्रेस ने जेडीयू पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए,
असम के मुख्यमंत्री से या बिहार के मुख्यमंत्री से। हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था पर वो तो गिरगिट निकले। वहीं जेडीयू ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इनको कमजोर भी करना चाहती थी और एक अवसर पर राहुल गांधी कह भी चुके थे कि क्षेत्रीय दलों की कोई विचारधारा नहीं होती। पूरे गठबंधन में न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई नेता है। बीजेपी ने कांग्रेस के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें बीजेपी पर गठबंधन तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया गया। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस के अहंकार को जिम्मेदार बताया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो देश में तानाशाही आ जाएगी। एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नई करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप लगा रही है तो उधर कांग्रेस के ही एक नेता अपनी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत देते नजर आए और वो नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। कृष्णम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और तंज भी किया। कांग्रेस एक महान पार्टी है, जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे। प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठाए। गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। कृष्णम ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है लेकिन कांग्रेस कोई तैयारी नहीं कर रही। कल तक मिलकर महागठबंधन की सरकार चला रहे जेडीयू और आरजेडी के नेता भी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर जहर उगल रहे हैं। सरकार गिरने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार पर दगाबाजी का आरोप लगाया और कहा कि नीतीश कुमार ने भरोसे का कत्ल किया है। भरोसे का अगर पूरे देश में हत्या हुई है ना, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जब आईने के सामने कंघी करने के लिए वगैरह जाएंगे उन्हें कष्ट होगा। दूसरी तरफ जेडीयू ने आरजेडी पर हमला करते हुए भ्रष्टाचार के ही आरोप लगा दिए। कहां चूक हुई, कहां तबादले का खेल हो रहा था, कहां अपॉइंटमेंट में गड़बड़ियां करने का अंदेशा था, इन तमाम तथ्यों का संकलन तो हम किए हुए हैं। जेडीयू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के अड़ियल रवैये से बात बिगड़ी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ही बीजेपी ने ये पूरी साजिश रची है। अखिलेश के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि यूपी में खस्ता हालत की वजह से अखिलेश को कांग्रेस की शरण में जाना पड़ रहा है। आपको जाना ही पड़ेगा, राहुल जी के चरणों में गिर करके। आज 11 सीट कहा है ना, वो 20 मांगेगा, आप 20 दीजिए। वहीं बिहार के नेता पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अमित शाह जी ने कहा था कि मैं जनता को, बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि नीतीश सुशासन बाबू, नीतीश बाबू, जनता बीजेपी की दरवाजे बंद हो गए इस जन्म में। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के घटक दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने कहा कि नीतीश से फिर हाथ मिलाकर पीएम मोदी और अमित शाह ने भी पलटी मारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए सही संदेश नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। कांग्रेस की न्याय यात्रा आज बंगाल से बिहार में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी बंगाल से बिहार के किशनगंज पहुंचे और अपने संबोधन की शुरुआत से ही बिहार के सियासी मुद्दे कुरेदने लगे, जिनमें जातीय जनगणना सबसे पहले था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ बिहार के किशनगंज पहुंचे। वहां अशफाक उल्ला खान स्टेडियम में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और बीजेपी आरएसएस पर जमकर बरसे। आरएसएस की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। यही नहीं, बिहार के चुनावी मुद्दों की नब्ज पकड़कर राहुल गांधी ने एक बार फिर ओबीसी वर्ग की वकालत करते हुए जातीय जनगणना की बात कही। इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। राहुल गांधी ने बिहार की राजनीति की मौजूदा परिस्थिति को न्याय यात्रा से दूर जरूर रखा लेकिन सियासत उनकी यात्रा से दूर नहीं रह पाई।
बिहार में पहले से चल रही सियासी उथल पुथल के बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति में हाशिए पर आ गई है। बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री होते ही बिखरे गठबंधन पर तंज कसे जाने लगे। उनके पदयात्रा का मतलब क्या है, क्यों पदयात्रा कर रहे हैं और उनको कहीं रिस्पांस नहीं है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि नीतीश कुमार के गठबंधन से किनारा करने का न्याय यात्रा पर कोई असर नहीं हुआ। नीतीश कुमार के विश्वासघात के बाद देखिए आप, किशनगंज की जनता, बिहार की जनता भरपूर उत्साहजनक स्वागत दे रही है राहुल गांधी जी को। कांग्रेस बेशक न्याय यात्रा से बेहद उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन अभी जो हालात हैं उनसे इतना तो साफ है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को कांग्रेस से कोई खास उम्मीद नहीं है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अब नई याचिका दाखिल की है। याचिका में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग जैसी संरचना के वैज्ञानिक सर्वे की मांग की है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से अपील की कि वो एएसआई को सील इलाके के आसपास की दीवार हटाकर सर्वे कराने के निर्देश दे। दिल्ली में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आग लगने के बाद मालखाने में रखी करीब 204 पहिया और 250 दो पहिया गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन्हें पूजा की थाली दी। योगी ने रामलला के सामने हाथ जोड़े और आशीर्वाद लिया। योगी ने मंदिर के अंदर मौजूद जिम्मेदार लोगों से मंदिर की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इस दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि 31 जनवरी से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में इंतजामों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उन्होंने अफसरों को जरूरी निर्देश भी दिए। इसके लिए खुद योगी मंदिर परिसर में आला अधिकारियों के साथ जगह जगह गए। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जय श्री राम कहकर उनका स्वागत किया। इस दौरान रास्ते में बेतरतीबी से रखी कुर्सियों को सीएम योगी ने खुद हटाकर सही जगह रखने के निर्देश दिए। योगी के साथ डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। जब योगी मंदिर परिसर का दौरा कर रहे थे तब रास्ते में रोड़ियां और धूल दिखाई दी, जिसे योगी ने हटाने के लिए कहा। वीआईपी मूवमेंट की वजह से पुलिस अधिकारियों ने कुछ श्रद्धालुओं को रोकने की कोशिश की तो योगी ने ऐसा करने से मना किया। राम मंदिर परिसर का दौरा करने के बाद योगी ने आला अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर में ही मीटिंग भी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए परेशानी न हो। रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु उनकी छवि अपने साथ लेकर लौट रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में श्री राम के प्रथम दर्शन वाली तस्वीरों की मांग बढ़ गई है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। अयोध्या के बाजार इस वक्त श्री राम के सुसज्जित बाल स्वरूप की तस्वीरों से भर गए हैं। भक्ति से सराबोर श्रद्धालु आराध्य के दर्शन करने के बाद उनकी उसी छवि के साथ लौट रहे हैं। राम लला का ये जो दिख रहा है बहुत ही प्यारा तस्वीर, हम लोग का मन भाग गया इस तस्वीर। श्रद्धालु चाहते हैं कि उनके रामलला अब उनकी आंखों के सामने ही रहें। हमारे माँ का ख्वाहिश था कि वहाँ जाना दर्शन के लिए, तो उस मूर्ति का एक फोटो का लाना करके उसी को हम लोग खरीद रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की तस्वीरों की मांग इतनी बढ़ गई है कि पूर्ति ही नहीं हो पा रही। श्रद्धालुओं में अयोध्या से लगाव और रामलला से प्रेम इतना गहरा है कि दर्शन करने के बाद भी वो तस्वीर के जरिए उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। श्रद्धालुओं की तो ये मत पूछे कितनी मात्रा में ले जा रहे हैं, उनका बस चले तो वो अयोध्या ही ले जाएं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या के साथ साथ बाल स्वरूप की तस्वीर की मांग भी और बढ़ेगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते बाद अब फिर से मंदिर निर्माण का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से मंदिर निर्माण में लगाई गई मशीनों को हटा दिया गया था, जबकि काम बंद होने की वजह से ज्यादातर मजदूर भी अपने घर लौट गए थे। अब निर्माण कार्य में लगी मशीनों को दोबारा मंदिर परिसर में इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही मंदिर बनवा रही कंपनी L&T के अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर भी अब काम पर लौटेंगे। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक प्रथम
तल का लगभग 20% काम अभी बचा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रथम तल का काम पूरा होने में कम से कम 3 महीने का समय और लग सकता है। इसके साथ ही राम मंदिर की दूसरी और तीसरी मंजिल का काम भी होना है। बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने में दूसरे तल का काम पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर 2024 तक तीसरे तल का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू की है और पहली आस्था स्पेशल ट्रेन सुबह अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंची। भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही ट्रेन अयोध्या धाम स्टेशन पर रुकी तो ढोल नगाड़े बजाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। राजस्थान के जयपुर से लगभग 2,500 मेहमान अयोध्या पहुंचे। श्रद्धालु अपने स्वागत से गदगद हो गए। हम सभी ग्रुप एक साथ आए हैं, वहाँ से सभी मस्ती करते हुए जैसे राम के नारे लगाते हुए हनुमान चालीसा करते हुए सबको बड़ी खुशी है। आस्था स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था से श्रद्धालु काफी संतुष्ट नजर आए। रेलवे की तरफ से फुल व्यवस्था थी, कोई परेशानी नहीं आई, आने से जाने तक सब व्यवस्था पूरी रेलवे की तरफ से बढ़िया है। आस्था स्पेशल ट्रेन में भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बोगी में रेलवे पुलिस की नजर रहेगी। तो सुपर 30 के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशभर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री ने जीवन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल को लेकर अभिभावकों को नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है उसे लेकर अनुशासित होना बेहद जरूरी है। मैं समझता हूं कि परिवार में कुछ नियम होने, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। पीएम ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बचा नहीं जा सकता है, ऐसे में सावधान रहने की भी जरूरत है। घर के अंदर मैंने पहले भी कहा है या दोबारा कहता हूँ, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे बातें करेंगे गप्पे मारेंगे। परिवार के अंदर वो उष्मा का वातावरण उसके लिए जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों के परफॉर्मेंस और उनके रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड न बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को स्वस्थ तन और मन के लिए नींद की अहमियत भी समझाई। पीएम ने समझाया कि कैसे स्वस्थ रहने के लिए गहरी नींद बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सोने के वक्त मोबाइल से दूर रहने की बात कही। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना, कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। साथ ही प्रधानमंत्री ने गहरी नींद के लिए अपना अनुभव साझा किया। 365 दिन कोई अपवाद नहीं, अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं, 30 सेकंड लगता है मुझे। प्रधानमंत्री ने बताया कि आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान भी नींद को बहुत तवज्जो देता है, इस पर लगातार शोध भी हो रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने गुरु शिष्य संबंध को लेकर भी शिक्षकों को मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षकों को क्लास में सहज माहौल बनाना चाहिए जिससे बच्चे आप में रुचि ले सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु और शिष्य का नाता सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन, वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने छात्रों के साथ इस तरह घुल मिल जाएं ताकि वो अपनी हर समस्या साझा कर सकें। जिस दिन आप सिलेबस से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा में सबसे बड़ा चैलेंज होता है लिखना, इसलिए अपना ध्यान प्रैक्टिस में रखें। परीक्षा से पहले विषय के बारे में या जो पढ़ा है वो लिखें, फिर खुद ही उसे ठीक करें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शहर के चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंचाने के लिए 3 मौजूदा कॉरिडोर के विस्तार की योजना बनाई है।
डीएमआरसी से मिली जानकारी के मुताबिक मेट्रो के तीनों कॉरिडोर के विस्तार का आधा काम पूरा भी हो चुका है। तीन में पहला कॉरिडोर पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से मौजपुर तक का है। 12.5 किलोमीटर लंबा ये रूट 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा कॉरिडोर मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी वेस्ट से आरकेपुरम और आश्रम का है, जबकि तीसरा कॉरिडोर सिल्वर लाइन पर एरोसिटी से तुगलकाबाद के बीच बन रहा है। दूसरे और तीसरे कॉरिडोर का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तीनों कॉरिडोर के विस्तार में दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 45 नए स्टेशन जुड़ेंगे। तीनों कॉरिडोर के विस्तार में 65 किलोमीटर का नया ट्रैक जुड़ेगा, जिसमें से 28 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। फिलहाल दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क 392 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर 288 स्टेशन है। कर्नाटक के मांड्या जिले में 108 फीट ऊंचे हनुमान ध्वज को हटाने पर विवाद हो रहा है। दरअसल मांड्या के केरागोडू गांव में बीते हफ्ते लोगों ने ग्राम पंचायत की इजाजत से हनुमान ध्वज फहराया था, जिसके खिलाफ शिकायतें हुई और जिला प्रशासन ने ध्वज हटाने का आदेश दे दिया। कर्नाटक के मांड्या जिले के केरागोडू गांव में 108 फीट ऊंचे हनुमान ध्वज को उतारने के लिए कल पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद वहां प्रदर्शन शुरू हो गया। गांव वालों के साथ बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता भी विरोध में शामिल हुए और जय श्री राम के नारे लगने लगे। मामले को तूल पकड़ता देख वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। कई प्रदर्शनकारी भी हिरासत में लिए गए। जिला प्रशासन के मुताबिक परमिट का उल्लंघन कर वहां धार्मिक ध्वज फहराया गया। वहीं कर्नाटक सरकार ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया। This is purely politics and they wanted to destabilize the peace of the state. राज्य सरकार का कहना है कि 108 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ तिरंगा फहराने की जगह थी, वहां कोई दूसरा ध्वज फहराना नियम के खिलाफ है। अरब सागर में एक बार भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मंसूबों को नाकाम कर 17 लोगों को बचा लिया। जानकारी के मुताबिक अरब सागर में सोमालिया और अदन की खाड़ी के बीच समुद्री लुटेरों ने ईरान के एक छोटे जहाज को अगवा कर लिया। ईरान के जहाज एफवी ईमान पर सवार चालक दल ने पास में मौजूद भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुमित्रा को संदेश भेजकर मदद मांगी। एफवी विमान के कैप्टन ने संदेश भेजा कि उनके जहाज को समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया है और जहाज पर 17 लोग सवार हैं। संदेश मिलते ही आईएनएस सुमित्रा तुरंत अगवा जहाज के पास पहुंचा और नौसेना के जहाज पर तैनात ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के जहाज को घेर लिया। खुद को भारतीय नौसेना से घेरा देख समुद्री लुटेरों ने ईरान के जहाज को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इसके साथ भारतीय नौसेना ने ईरान के जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्यों को सकुशल छोड़ा लिया। लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फ देखने को मिली। बारामूला, बांदीपोरा, गांदरपल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो लोकेशन थी उन पर ताजा बर्फ गिरी, जिसके बाद गुलमर्ग भी गुलजार नजर आया, जिसका स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद वहां सब कुछ सफेद दिखाई दिया और वहां जो सैलानी घूमने गए हुए थे उनकी तो जैसे चांदी हो गई। लोग बर्फबारी देखकर झूमने लगे। कई सैलानी ऐसे थे जो बर्फ देखने के लिए मनाली रोहतांग तक हो आए, लेकिन ख्वाहिश गुलमर्ग में पूरी हुई। वहाँ पर मुझे बर्फ नहीं मिली, उसके बाद मैं रोहतांग गया, सिक्किम गया, वहाँ पर भी नहीं मिली, तो वहाँ से टन मार के मैं यहाँ पे गुलमर्ग में आया हूँ और मुझे यहाँ पे खूब मजा आ रहा है फुल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। पूरे सीजन घाटी में बर्फ का सूखा रहा, जिससे टूरिज्म सेक्टर को खासा नुकसान पहुँचा है, लेकिन ताज़ा बर्फबारी के बाद सैलानियों की तादाद में इजाफा होने की उम्मीद बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में भी खूब बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद गुरेज घाटी इतनी खूबसूरत हो गई कि वादियों से नजर हटा पाना मुश्किल हो गया। घाटी की ये तस्वीर देखने के लिए सर्दियों का पूरा मौसम इंतजार में बीत गया था। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में बर्फबारी के बाद सब कुछ सफेद नजर आने लगा। पहाड़ों की चोटी से लेकर गहरी घाटियों तक बर्फ की मोटी परत बिछी दिखाई दी, मानो कुदरत ने इस जमीन को कोई खोई हुई चीज लौटा दी हो। मकानों की छत और पेड़ों की शाखों से बर्फ वरक की तरह लिपटी थी। गुरेज की ये तस्वीर अथाह शांति और सिर्फ खूबसूरती से भरी थी। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी इतनी भारी हुई कि रास्ते बहाल करने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। पूरे सीजन बर्फ न गिरने से उत्तर भारत के ऊपरी इलाकों में फसल बागानों से लेकर टूरिज्म सेक्टर को भी भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के आखिर में हो रही बर्फबारी नुकसान को काफी हद तक कम कर सकेगी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकल चुका है। रॉयल कैरिबियन ग्रुप के इस क्रूज का नाम आइकन ऑफ द सीज है, जी हाँ, जिसने अपनी पहली यात्रा रविवार को अमेरिका के मायमी से शुरू की है। ये क्रूज 7 दिनों तक अलग अलग कैरिबियन द्वीपों की सैर करवाने के बाद 3 फरवरी को मायमी वापस लौटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज कहे जा रहे आइकन ऑफ द सीज 1200 फीट लंबा है और इसका वजन 2.5 लाख गीगाटन है। इस क्रूज में जो इंजन लगा है वो करीब 91,000 हॉर्स पावर का है, यानी लगभग
13.5 लाख सीसी का, यानी इस क्रूज का इंजन 1000 सीसी वाली 1350 कारों के इंजन जितना पावरफुल यानी शक्तिशाली है। समुद्र में ये क्रूज अधिकतम 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 20 मंजिला इस क्रूज पर एक बार में 7960 लोग सवार हो सकते हैं। इनमें 5610 यात्री और 2350 चालक दल के सदस्य शामिल हैं। चलता फिरता शहर कहे जा रहे इस क्रूज पर 7 स्विमिंग पूल और 7 वाटर स्लाइड्स हैं। इस क्रूज पर खाने पीने और एंटरटेनमेंट की बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। यात्रियों को यहां कई तरह के स्नैक्स बार, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट जोन, एक्वा पार्क और स्काई वॉक की सुविधा मिलेगी। लग्जरी और सुविधाओं के आधार पर इस क्रूज में 2800 से ज्यादा छोटे बड़े कैबिन हैं। इन कैबिन का किराया 1.5 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक है।